मोहाली झूला हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपको बता दें, मोहाली में एक मेले में झूला गिर गया जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और हादसे को लेकर डीसी मोहाली से रिपोर्ट मांगी गई है। इस पूरे घटना का जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद आयोजकों पर आपको बता दें एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ जो भी झूले का मालिक था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल अब इस बाबत रिपोर्ट डीसी से मांगी गई है राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन इसके बावजूद आयोजकों ने कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं जो अक्सर हो जाया करती हैं, और इसके बाद इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब डीसी ने इसको लेकर डीसी से अब इस बात को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने जांच के बाद कही है संज्ञान लिया है इस पर और इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो मोहाली झूला हादसे से जुड़ी यह बड़ी खबर, हादसे को लेकर डीसी मोहाली से रिपोर्ट मांगी है पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने। इस हादसे को लेकर डीसी मोहाली से रिपोर्ट मांगी गई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरह से ये झूला 50 फुट की ऊंचाई से गिरा था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इस हादसे को लेकर अब संज्ञान लिया है पंजाब के राज्य मानवाधिकार आयोग ने और डीसी से रिपोर्ट मांगी। हालांकि इस मामले में आयोजकों समेत झूले मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अभी हादसा कैसे हुआ, किन वजहों से हुआ, क्या इसमें जांच चल रही है, किन किन दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर अब डीसी मोहाली से रिपोर्ट मांगी है राज्य मानवाधिकार आयोग ने।